अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काबे पर पड़ी दरार और रुकने हमने क्या है और क्या है इसकी सच्चाई सब हम जानेंगे इस वीडियो पर। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर जमालात का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और ये हाजी साहब दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी कुछ कर दी है। अभी तो ये सही से चल नहीं सकते, इसी वजह से चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन जब ये हाजी साहब जमालात पर पहुंचे तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। लोग ये वीडियो देखने के बाद कह रहे हैं कि हाजी साहब की जिंदगी शायद शैतान ने बर्बाद कर दी हो, इसी वजह से बदला लेने के लिए कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर रोकने के लिए आया था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारी थी शैतान को और इनको भी यही करना था, 7 कंकरियां मारना था शैतान को। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो मशीन गन चला रहे हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, काफी सारे लोग इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चिचा ने तो गलत काम किया और लोगों का कहना है कि हज एक मुकद्दस अमल है और इस तरह का मस्करापना वहाँ पर नहीं करना चाहिए। लेकिन चिचा इतने फेमस हो गए थे, काफी सारे नौजवानों ने इन्हें पकड़ा और दोबारा ला लिया। पहले ये एहराम में थे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं दोबारा इन्होंने यही हरकत की, यहाँ पर आकर शैतान के ऊपर मशीन गन चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चिचा ने शैतान को ढेर कर दिया। उसके बाद में चिचा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन चिचा को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये बैठ चुके थे लेकिन लोगों ने कहा कि दोबारा करो, वीडियो ले रहे हैं, तो चिचा दोबारा ऐसा करने लगे। लेकिन वीडियो देखकर तो कोई जज नहीं कर सकते क्योंकि आमाल का दारोमदार तो नियत के ऊपर होता है। लेकिन चिचा के वीडियो से ज्यादा लोग तो इस वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रुकने यमनी। रुकने यमनी को लेकर लोगों का कहना है कि हर साल रुकने यमनी में दरार पड़ जाती है और लोगों का कहना है कि रुकने यमनी की दरार को बंद करने के लिए सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर कीले वगैरह मारे और काफी सारे केमिकलों का इस्तेमाल किया। और लोगों के इस दावे में कितनी सच्चाई है वो भी हम जानेंगे जो सऊदी हुकूमत को लेकर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए, यही वो वीडियो है जिसको लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर सऊदी हुकूमत रुकने यमनी की जो दरार पड़ी है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं मशीन का इस्तेमाल करते हुए दीवार को समतल किया जा रहा है। और जहाँ तक क्रैक की बात है, कोई क्रैक नहीं है, काबे का हमेशा रेस्टोरेशन का काम हर साल चलते रहता है। इसी को लेकर काफी सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और यहाँ पर जो काम हो रहा है सबके सामने हो रहा है, लोग वीडियो भी ले सक रहे हैं, किसी को रोका नहीं गया, यानी कि साफ साफ लोग देख सकते हैं कुछ क्रैक वगैरह नहीं पड़ा। और यहाँ पर ये सवाल उठता है कि रुकने यमनी का ये हिस्सा खुला क्यों रखा जाता है और पूरी दीवार आप देख सकते हैं वहाँ की बनावट अलग है और इस हिस्से की बनावट अलग है। इससे मुतालिक जब सऊदी वालों से सवाल किया गया तो सऊदी वालों का कहना है कि काबे को कई मर्तबा तोड़कर बनाया गया और यही वो जगह है रुकने यमनी जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से 4000 साल पहले बुनियाद रखी थी इस काबे की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी खुद से बुनियाद नहीं रखी थी बल्कि पहले से एक बुनियाद मौजूद थी, उसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ढूंढा था अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद से। यानी कि दुनिया में सबसे पहले खुदा का घर यहीं पर बनाया गया जो कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है। हजारों लाखों साल से ये मौजूद है, एग्जैक्ट डेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जिसको रुकने यमनी कहते हैं और यहाँ से गुजरते हुए लोग दुआ भी पढ़ते हैं। रुकने यमनी को लेकर यूट्यूबरों ने काफी सारी अफवाहें फैला रखी है 4-5 साल से, आप देख सकते हैं उल्टी सीधी वीडियोस डाल रहे हैं रुकने यमनी की दरार को लेकर। लेकिन इससे मुतालिक अभी सऊदी हुकूमत ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है जो हमने आपको बताया है। तो आप लोगों क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में लिखा दूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए कि जितने लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इल्म नहीं, उन तक इसको पहुंचना चाहिए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।